सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ये दोनों खत्म होने वाले। सर क्या बात कर रहे हो, ये दोनों सेक्शन अगर खत्म हो गए तो सर फिर एडजुडिकेशन होगा कैसे? भैया एडजुडिकेशन के लिए ये नया सेक्शन लेकर आ रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हो। हाँ जी, आप इस बात को समझो, जो बजट आया है 23 जुलाई 2024 को जो बजट आया उसमें तीन सेक्शनों में चेंज हुआ। एक सेक्शन में सेक्शन 73 में, एक सेक्शन 74 में, और एक नया सेक्शन लेकर आए 74A। अब इस बात को जरा समझना, इन्होंने क्या बोला कि भैया देखो 17-18 से जो भी एडजुडिकेशन चल रही है वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, मतलब कि जो साल हमारा खत्म हो चुका है वहां तक की एडजुडिकेशन जो होगी उसके लिए तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ही चलेगा, लेकिन 23-24 के बाद जो भी केस होंगे, जो भी नोटिसेस होंगे, उसके लिए नया सेक्शन जो सेक्शन 74A है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर सेक्शन 73 में क्या चेंज किया गया है, सेक्शन 73 में इस चीज को बोला गया है सब सेक्शन 12 में कि भैया यहां पर ना इस बात को समझ लो, ये वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 73 के, जो सेक्शन के प्रोविजन है, शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब कि सबसेक्शन 11 के बाद एक नया सबसेक्शन इंसर्ट करके इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि सेक्शन 73 पिक्चर में रहेगा कब तक, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की एडजुडिकेशन के लिए। और यही चीज सेक्शन 74 में लिखी है, उसमें भी एक नया सबसेक्शन इंसर्ट करके ये बात लिखी। तो अब इसका मतलब जब सेक्शन 73 और 74 से जो एडजुडिकेशन है वो 23-24 तक होगी, तो भाई 23-24 के बाद क्या होगा, तो 23-24 के बाद इन्होंने लाए हैं नया सेक्शन, सेक्शन 74A। तो सर दो सेक्शन के बदले में एक सेक्शन। हाँ जी, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दो को खत्म कराए और एक सेक्शन को इंसर्ट किया है, क्योंकि लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती थी, तो उन्होंने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेक्शन 74A को लाए। अब जरा देखना ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं। इसे हम अगर कहें तो हम इसे बोल सकते हैं रिवाइज असेसमेंट प्रोसीजर। पहले असेसमेंट प्रोसीजर सेक्शन 73-74 से होता था, अब जो रिवाइज असेसमेंट प्रोसीजर है वो सेक्शन 74A से होगा। तो अब इन्होंने क्या लिखा है कि भाई अगर आपको नोटिस देना है, चाहे आपका सेक्शन 73 का केस हो चाहे सेक्शन 74 का, सर तो नोटिस की टाइम लिमिट क्या होगी, जरा इसे ध्यान से पढ़ो सेक्शन को। इसमें लिखा हुआ है वेयर इट अपीयर टू द प्रॉपर ऑफिसर डेट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड शॉर्ट पेड। अब जो भी लाइन सेक्शन 73 में थी वो यहां पर इन्होंने रिपीट करी है कि अगर किसी व्यक्ति से जो सेक्शन 73 में गलती थी वो गलती हो जाती है, ITC गलत ले लेता है, तो उसे सो कॉज नोटिस किया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए। अब मुद्दा ये आया सर ये नोटिस जो होगा वो कितने दिनों में इशू किया जाएगा, तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भैया इस बात को समझो, तुम 500 रुपए के लिए, तुम 250 रुपए के लिए कोई नोटिस नहीं भेजोगे, यहां पर नोटिस का अमाउंट कम से कम 1000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1000 रुपए तक का अमाउंट है तब आप हमें कोई भी नोटिस नहीं भेजोगे, ये वाली बात इन्होंने इस सेक्शन के अंदर लिखी है। तो जो लोगों को शिकायत हुआ करती थी कि जी मुझे 50 रुपए का नोटिस आ गया, 100 रुपए का नोटिस आ गया, वो खत्म हो जाएगी। सर मुद्दा ये बताओ ये नोटिस इस सेक्शन के अंदर कितने महीने के अंदर आएगा, तो भैया यहां पर इस बात को समझो, सेक्शन 73 में जो टाइमलाइन थी वहां पर थी 2 साल 9 महीने और सेक्शन 74 में टाइमलाइन थी 4 साल 6 महीने। इन्होंने कहा भैया ठीक ऐसा कर लेते, 42 मंथ्स का टाइम लिमिट रख लेते, तो यहां पर 42 मंथ्स का टाइम लिमिट रखा कि भाई जो भी नोटिस भेजा जाएगा वो कहां से भेजा जाएगा, ठीक है ना, वो कहां से भेजा जाएगा, 42 मंथ्स, ठीक है, कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहां पर लिखा है कि द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस साल का नोटिस जा रहा है उस साल की ड्यू डेट से हम चेक कर लेंगे, वहां से 42 मंथ का नोटिस होगा, ठीक है ना जी, क्लियर है, बोलो। और विद इन 42 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एररनेस रिफंड। तो भैया चाहे तुम्हारा केस फ्रॉड वाला है, चाहे तुम्हारा केस नॉन फ्रॉड वाला है, सबके
नोटिस इशू की करने की टाइम लिमिट अब एक ही हो गई है, 42 महीने। अब 4 साल 6 महीने नहीं है, 42 महीने हो गए। तो यहाँ पर जो नॉन फ्रॉड केसेस के लिए पहले 2 साल 9 महीने होता था, अब उसके लिए भी 42 महीने हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको बताएं कि सेक्शन 73-74 में एक स्टेटमेंट का जिक्र किया जाता था, वो स्टेटमेंट का जिक्र यहाँ पर भी है कि भाई अगर हमारा कुछ चीजें रह गई, अगर मान लो ठीक है ना, हमने कोई नोटिस भेजा उसमें कुछ चीजें रह जाती है, तो हम स्टेटमेंट के थ्रू हम एक स्टेटमेंट आपको सर्व कर सकते हैं। वो सेक्शन 73-74 में भी थी, तो यहां पर सेक्शन 74A में भी लिखा है। अब मुद्दा आता है भैया कि पेनल्टी कितनी लगेगी। अब मुद्दा आता है पेनल्टी कितनी लगेगी, तो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, जो इंपॉर्टेंट बात है कि द पेनल्टी इन केस वेयर एनी टैक्स विच हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और एररसली रिफंडेड, ठीक है ना, रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज। ये कह रहा देखो भाई पेनल्टी के लिए ना हमने अलग अलग बातें कर दी, इन्होंने क्या बोला अलग अलग बातें कर दी। अगर तुम्हारा ठीक है ना फ्रॉड का केस होगा तो हम पेनल्टी लगाएंगे 100%, जो नोटिस के अंदर पेनल्टी लगाएंगे वो लगाएंगे 100%। और अगर आपका फ्रॉड का केस नहीं है तो हम जो पेनल्टी लगाएंगे कितनी, 10%। क्या लगाएंगे हम, 10% ऑफ द टैक्स ड्यू फ्रॉम द सच पर्सन और 10,000 विच एवर इज हायर। तो मतलब कि फ्रॉड का केस है या नहीं है, पेनल्टी दोनों में लगेगी, लेकिन एक में पेनल्टी है कम और दूसरे में पेनल्टी है ज्यादा। अब हमारे को यहां पर नोटिस आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद अब इसका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के बाद ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर इशू करेगा, ठीक है ना, कि भाई हमने आपको नोटिस दे दिया, नोटिस के अंदर ये टैक्स है, ये इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, और अगर आप इसे जमा कर रहे हो ठीक है, नहीं तो अपनी रिप्रेजेंटेशन दो। आपकी रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई आने के बाद हम आपको ऑर्डर इशू कर देंगे। अब सर कई लोग ऐसे भी होंगे कि भैया ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर कितने दिनों में पास करना है, नोटिस का टाइम तो कितना था 42 मंथ्स, लेकिन अब ऑर्डर कितने दिनों में पास करना है। तो ऑर्डर के लिए इन्होंने लिखा भाई नोटिस चाहे कोई सा भी हो, चाहे फ्रॉड केस का हो चाहे नॉन फ्रॉड केस का हो, आपको ऑर्डर पास करने के लिए मिलेंगे 12 महीने। यहां पर जीएसटी ऑफिसर की हो गई बल्ले बल्ले कि भाई नोटिस इशू कर दिया, नोटिस इशू करने के बाद उन्हें कितने महीने का समय मिल रहा है, 12 महीने का समय मिल रहा है। लेकिन अब ऑफिसर कह रहा है मेरे पास तो काम बहुत ज्यादा है, मैं तो 12 महीने के अंदर ऑर्डर इशू नहीं कर पाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम 12 महीने के लिए नहीं कर पाओगे तो 6 महीने का हम तुम्हें एक्सटेंशन और प्रोवाइड कर देंगे। तो अब तुम लोगों को शिकायत रहती थी कि साहब मेरा नोटिस दे दिया, अब मेरी डेट आ रही है, मैं हेयरिंग पे जाऊं क्या करूं, गवर्नमेंट ने कोई टेंशन मत लो, नोटिस आ गया, 12 महीने हमारे पास है, ठीक है ना, एक बार आओ हेयरिंग पे, 2 बार आओ, जो मर्जी आओ, ठीक है ना, और अगर हमारा उस टाइम तक भी नहीं हुआ तो 6 महीने का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को फिर मिल गया। तो अब यहां पर सफिशियंट टाइम मिल गया, ठीक है ना, किस चीज के लिए, ठीक है ना, प्रोसीडिंग्स के लिए। अब इसके बाद मुद्दा आता है यहां पर, ठीक है ना, अब यहां पर मुद्दा ही आता है कि भैया असैसी कह रहा यार क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, हम ऐसा करते हैं ना, हम इनका जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो पहले से ही दे देते हैं। तो मुद्दा ही आया जो ये टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो भैया कितनी देनी है। तो उसके लिए इन्होंने बनाए 2 सेक्शन, पहला सेक्शन हमारा है सबसेक्शन 8 और दूसरा है सबसेक्शन 9। सर ये 2 सेक्शन क्यों बनाए भैया, सबसेक्शन 8 किसके लिए, सबसेक्शन 8 किसके लिए, अदर देन रीजन ऑफ फ्रॉड। तो भाई अगर आपका जो केस है, आपको जो नोटिस आया है अदर देन फ्रॉड के लिए आया है, तो आपको जो लगेगी पेनल्टी वगैरह वो कहां से लगेगी, सबसेक्शन 8 से। और अगर आपको फ्रॉड के केस में आया, अगर आपको फ्रॉड के केस में आया तो आपको जो पेनल्टी वगैरह लगेगी वो कैसे लगेगी, सबसेक्शन 9 से। अब यहां पर अमाउंट भी समझ लो कि भाई अमाउंट कितना है। तो इन्होंने क्या बोला, देखो भाई अगर आप नोटिस से पहले ही, नॉन फ्रॉड का केस है, हम पहले ही प्री कंसल्टेशन करेंगे, तो अगर आप हमें टैक्स और इंटरेस्ट दे दोगे, क्या मांग रहे हैं, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट दे दोगे तो तुम्हारी कहानी खत्म, हम आगे कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ठीक है ना, अगर तुम 100 कोस नोटिस आने के 60 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर आप हमें पे कर देते हो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नो पेनल्टी शैल बी पेबल। तो यहां पर इस बात को समझना, अगर आपने नोटिस आने से पहले भी पे कर दिया तो भी कोई पेनल्टी नहीं है, नोटिस आने के बाद भी पे कर दिया 60 दिनों के अंदर तो तब भी कोई लिटिगेशन नहीं होगा, तुम बाइज्जत भरी हो जाओगे टैक्स और इंटरेस्ट देकर। ये किस केस में, ये भैया उस केस में है
ठीक है ना, ये किस केस में, ये उस केस में जब फ्रॉड का केस नहीं है। अब यहां पर आता है कि अगर आपके पास फ्रॉड का केस है, तो उन्होंने बोला अगर फ्रॉड का केस है और नोटिस आने से पहले, फ्रॉड का केस है अगर नोटिस आने से पहले आप हमें पे करोगे तो हम 15% पेनल्टी लेंगे, ठीक है ना, हम 15% पेनल्टी लेंगे। और ठीक है ना, और क्या लिखा हुआ है, पे द सेट टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल एंड ए पेनल्टी इक्वल टू 25% ऑफ सच टैक्स विद इन 60 days ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। अगर हमने नोटिस इशू कर दिया तो नोटिस इशू करने के बाद 60 दिनों का टाइम हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन अब की बार पेनल्टी कितनी लेंगे, 25% लेंगे। क्या लेंगे जी, 25% लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, टैक्स दे दो, इंटरेस्ट दे दो, पेनल्टी दे दो 50%, कब, 60 days फ्रॉम द ऑर्डर। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो और हम ऑर्डर पास कर देते हैं, तो ऑर्डर पास करने के बाद भी हम तुमसे कितनी पेनल्टी लेंगे, 50% पेनल्टी लेंगे। अगर आप ऑर्डर पास करने के 60 दिनों के अंदर, ऑर्डर पास करने के 60 दिनों के अंदर हमारे को, ऑर्डर पास करने के 60 दिनों के अंदर हमारे को पेनल्टी की पेमेंट कर देते हो, ठीक है ना, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने सबसेक्शन 12 में क्या लिख दिया, सबसेक्शन 12 में लिख दिया कि भाई ये वाला सेक्शन कब से एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। कहां से एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, ठीक है ना। और यहां पर सबसेक्शन 11 और 10 जो पहले वाले सेक्शन थे उसी से है, तो इसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और इस संडे को हमारा, ठीक है ना, पूरे बजट पर, ये तो मैंने बजट का आपको एक सेक्शन बताया है, ऐसे ही हमारा पूरे बजट पर सेशन है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप उस वेबिनार को ज्वाइन कर लेना। और इसका पूरा एनालिसिस जो हमारी अगस्त महीने की मैगजीन होगी, ठीक है ना, जो हमें 1 अगस्त को या अगस्त के फर्स्ट वीक में रिलीज करेंगे, उसके अंदर सारा एनालिसिस देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सेक्शन 74 ए क्यों आया, ये क्लियर हुआ या नहीं, ये किस साल के लिए है, ये क्लियर हुआ या नहीं। अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।